कहते हैं वीरानों, खंडरों और कब्रिस्तानों में आत्माओं की दुनिया रहती है, इसलिए इन जगहों को हॉन्टेड कहा जाता है। लेकिन ताज्जुब होगा आपको जब आप ये जानेंगे कि एक फोन नंबर भी हॉन्टेड हो सकता है। 2009 दिल्ली में एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर के हाथ एक ऐसा हॉन्टेड फोन नंबर लगा जिसने कई लोगों की जिंदगी को दहशत से भर दिया। कई लड़कियां उस फोन नंबर की वजह से पागल हो गईं। लेकिन डर का असली खेल तब शुरू हुआ जब उस न्यूज़पेपर की रिपोर्टर निशा खुद उस हॉन्टेड नंबर के जाल में फंस गई। आर यू सीरियस? हॉन्टेड फोन नंबर, और वो भी निशा से स्टोरी पे काम कर रही है? हाँ, निशा की फ्रेंड उसी मोबाइल कंपनी में काम करती है और उसी ने उसे बताया अबाउट दिस हॉन्टिंग फोन नंबर। हेलो, मैं भूत बोल रहा हूँ। नाइस एक्टिंग। अरे निशा, यू नो व्हाट, न्यूज हेडलाइन से ज्यादा फास्ट हमारी ऑफिस में खबर फैलती है। सच में? What's up? Okay, निशा, मुझे सीरियसली बताओ, तुम सच में स्टोरी पर इन्वेस्टिगेट कर रही हो? बिल्कुल, पर फिर भी एक बार एडिटर से इजाजत लेनी भी तो जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू डेफिनेटली आ जाएगा। हम यंग लोगों को डेफिनेटली प्रमोट करते हैं। यू कैन लीव नाउ। ओके, अच्छा बाद में बात करती हूँ। सर, सर मुझे पता है आप हंसेंगे, पर सर मैं एक स्टोरी करना चाहती हूँ। एक नंबर से किसी प्रेतात्मा का कई लड़कियों को कॉल आता है सर, और मैं इस स्टोरी पे इन्वेस्टिगेट करके उसको न्यूज़ छापना चाहती हूँ सर। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो? किसी मनचले लड़के ने लड़कियों को डराने के लिए ये सब ड्रामा किया होगा। नहीं सर, सर अगर बात इतनी सिंपल होती ना तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती सर। बट सर मैंने काफ़ी छानबीन की है, मोबाइल कंपनी में मैंने पता लगाया है उस नंबर के बारे में। उस कंपनी में मेरी एक फ्रेंड भी है सर, स्वाति, उसने मुझे बताया कि वो नंबर काफ़ी टाइम पहले डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लेकिन वो नंबर अपने आप ही एक्टिवेट हो गया रातों रात। वो भी हैरान है सर कि ये सब कैसे हो गया। पर इससे साबित क्या होता है? कुछ नहीं, मुझे तो अभी भी लगता है कि इस कहानी में कोई दम नहीं है। सर, जिन जिन लड़कियों ने भी उस कॉल को रिसीव किया है वो सब पागल हो गई है सर। कुछ तो वजह होगी ना सर ये, और ये लड़की भी उनमें से एक है सर जिसको एक फॉल्स आते हैं। रियल स्टोरी चाहिए मुझे, पूरी डिटेल्स के साथ, फ्रंट पेज छापने के लायक। श्योर सर, थैंक यू सर। हेलो, हेलो, कौन है? निशा, मेरे साथ चलोगी डिनर? शीश, तुम भी ना, शट अप। मेरे पास ना एक्चुअल हॉन्टेड नंबर है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि उसकी आवाज तुमसे भी ज्यादा डरावनी होगी। बाय बाय। नाइन फोर वन फाइव एट वन सेवन सिक्स एट थ्री नाइन फोर वन फाइव एट वन सिक्स एट थ्री नाइन। करूँ या नहीं करूँ? हेलो, गुड इवनिंग मैम, हम आपको स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं फॉर द क्रेडिट कार्ड। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। स्टूपिड, हमेशा फोन करते रहते हैं। नाइन फोर वन
The number you're trying to reach is not available. खाम का दर रही थी, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं मेरी स्टोरी का क्या होगा? The end. God. Let it be. फिर किसी दिन करेंगे। निशा, कहाँ थी तुम? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, सब निकल चुके। प्लीज जल्दी करो। अरे पता है तुम्हें विशेष, वो हॉन्टेड नंबर तो काम ही नहीं करता है। जरूर किसी ने ना झूठी अफवाह फैलाई होगी, वो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। You know what? आज के जमाने में कोई टेक्नोलॉजी को कर्स कर सकता है क्या? नहीं ना। आई मीन इमेजिन, एक फोन नंबर जो नहीं चलता है उसमें से एक प्रेत आत्मा का फोन आता है। सीरियसली? ओके, उसके बाद क्या होता होगा? उस फोन से भूत निकल के लड़कियों को पकड़ लेता होगा। यार देखने वाला सीन होगा। विशेष, अगर किसी ने झूठा प्रोपेगेंडा भी किया है ना, तो मैं इसका जरूर पता लगाऊंगी और फिर उसका थोड़ा बिगाड़ डालूंगी। बिगाड़ देना। अब चलो। प्लीज चले। मीडिया की जिम्मेदारी पहले से काफी बढ़ गई है। आज हर जर्नलिस्ट का फर्ज है कि वो सच्चाई को आवाम के सामने। मैंने तो फोन साइलेंट में किया था, पता नहीं क्या समझ गया। सॉरी सर। लेकिन अब भी सीरियस जर्नलिज्म की कमी है। जिस तरह की खबरें आज दिखाई जाती हैं, वो हाँ, तो मैं कह रहा था कि सॉरी सर। Hello? Hello?
जिस फोन नंबर को निशा रॉन्ग नंबर समझ रही थी, जब उस नंबर का राज निशा के सामने खुला तो उसके होश उड़ गए। आखिर क्या था उस फोन नंबर का राज? कौन थी वो आत्मा जो लिफ्ट में निशा के पीछे खड़ी थी? धीरे धीरे ये सवाल निशा को एक खौफनाक दुनिया की तरफ ले जा रहा था। अब देखती हूँ कैसे बचता है ये फोन। तुम्हारे लिए ही है, उठाओ। ये चाहिए था ना तुम्हें, अब उठो। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी फोन, मैं नहीं उठाऊंगी। देखो, तुम्हारे लिए ही है, करो बात। लो। सुमन, निशा की कोई खबर है? तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। नहीं विशेष, मुझे कोई आईडिया नहीं है, बल्कि आज तो वो ऑफिस भी नहीं आई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।
निशा को फोन करूं और वो फोन ना उठाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे देखना होगा। निशा, निशा आयु दे, निशा दरवाजा खोलो, निशा तुम ठीक हो? हेलो निशा, निशा फोन क्यों उठा? निशा पिक अप द फोन, दरवाजा खोलो। कुछ तो गड़बड़ है। निशा, निशा कहाँ हो तुम? निशा Nisha? Oh my god. Nisha! Nisha, kya ho? Nisha, utho. Utho. Nisha ने जब हमें उस हॉन्टेड फोन नंबर के बारे में बताया तो हम सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब किसे पता था कि वो मजाक एक दिन सच बनकर हमारे सामने आ जाएगा। उस एक हॉन्टेड फोन नंबर ने निशा की जिंदगी बदल के रख दी। काश मुझे पता होता कि तुम्हारी हालत क्यों हुई। ऐसा क्या हो गया कि मेरे अलावा उस हॉन्टेड नंबर से भी कई कॉल्स आए और ये वही नंबर है जिसके बारे में निशा पता लगा रही। निशा की हालत और इस नंबर में कोई कनेक्शन तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। निशा ने कहा था कि एक बोगस नंबर, ये यूं ही लोगों को परेशान करता है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे पता तो लगाना ही होगा। शायद इसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होगा। दो महीनों में 13 लड़कियां इस फोन कॉल की वजह से पागल हो गई, ये कैसे हो सकता? जरूर कोई और बात है। स्वाति मिश्रा? हाय स्वाति, मैं विशेष बोल रहा हूँ। मैं निशा का दोस्त हूँ, हम दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में।
स्वाति क्या हम मिल सकते हैं? बहुत अर्जेंट काम है। ओके यस ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं वहीं आता हूँ। ओके बाय। मोबाइल कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि उस नंबर को डिस्कनेक्ट हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और कंपनी ने दोबारा उस नंबर को इश्यू भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी उस नंबर से कई कॉल्स किए गए, राइट? हाँ, निशा को भी उसी नंबर के रिकॉर्ड्स चाहिए थे। इस एनवेलप में उस नंबर के सारे आउटगोइंग रिकॉर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच। स्वाति, विशेष बोल रहा हूँ। स्वाति, मुझे तुम्हारी और मदद चाहिए। विशेष, जितनी मदद मैं कर सकती थी उतनी कर चुकी हूँ। स्वाति, तुम्हारे दिए हुए सारे नंबर मैंने चेक किए, सबके सब डेड है, डिस्कनेक्टेड। अब इसमें मैं कोई और हेल्प नहीं कर सकती। स्वाति, सिर्फ तुम ही मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो कि वो मेन नंबर किसका है, जिस नंबर से सबको फोन आया था वो किसका नंबर था और कहाँ से एक्टिवेट हुआ। विशेष, मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती है। निशा की जान खतरे में। स्वाति, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, निशा इस वक्त हॉस्पिटल, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं, सिर्फ इतना पता है कि निशा उस नंबर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके फोन में उस नंबर से कई कॉल्स आए थे। स्वाति, मेरे लिए उस नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम से कम तुम तो उसकी दोस्त हो, दोस्त होने के नाते तो मदद कर सकती। ठीक है। थैंक यू स्वाति। तुम्हें पता है कई लोगों की जान खतरे में, शायद तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान बच सकती। ओके, उसी जगह 2 बजे। थैंक यू सो मच, बाय। बड़ी मुश्किल से वो एड्रेस मिला है जहाँ से वो नंबर इशू किया गया था। उसका नाम प्रियंका खोसला है। उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ था।
निशा की लिस्ट में सबसे पहला नाम पागल हुई लड़कियों में यही था। हाँ, और एक बात, उसकी मदर ने कंप्लेन किया था उसके पागल होने से कुछ वक्त पहले वो फोन उसने कहीं खो दिया था। ये एड्रेस है, आई होप कि तुम्हें वहां से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाए। थैंक यू। दिल्ली से बाहर पड़ती है ये जगह, आउटस्कर्ट में है, पर दिल्ली में ही आता है ये एरिया। आई होप यहाँ से हॉन्टेड फोन नंबर की कुछ सच्चाई पता चले। किसे मिलना है? खोसला फैमिली से मिलना है, जरा गेट खोलेंगे प्लीज। अरे एक मिनट। हेलो मैम। आइए। कहिए। जी मेरा नाम विशेष है और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मुझे प्रियंका के फोन नंबर की कुछ जानकारी चाहिए जो वो 2-2.5 महीने पहले यूज़ करती थी। आप उनकी मम्मी हैं? जी हाँ। वो फोन प्रियंका से कहीं गुम हो गया था। मेरे पति के अचानक चले जाने के बाद प्रियंका काफी सदमे में थी। एक दिन कॉलेज से आते वक्त बस में कहीं गुम हो गया था। क्या मैं प्रियंका से अभी मिल सकता प्लीज? लेकिन वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। आइए। इंजेक्शन के बाद ही सो पाती। मेडिकेशन और थेरेपी के अलावा कोई जिंदगी नहीं है इसकी। पता नहीं इसकी ये हालत कैसी होगी। अजीब बात है, प्रियंका के फादर की एक भी तस्वीर नहीं है कहीं। प्रियंका के डैडी कब से लापता है? 2 महीने हो गए। आई एम सॉरी, मैं चलता। इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद भी प्रियंका ने बस में ट्रैवल करते हुए फोन खोला। So strange. और कुछ पूछना था आपको? जी, प्रियंका कौन से कॉलेज में थी? होली फेथ। थैंक यू। मिसेस खोसला जरूर कुछ छुपा रही थी, लेकिन निशा का दोस्त विशेष हार मानने वालों में से नहीं था। घर जाने से पहले ही उसने आसपास के लोगों से खोसला परिवार के बारे में जानकारी ले ली थी। खैर, उस रात विशेष ने सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाया, पर क्या वो इतनी आसानी से जान पाएगा उस हॉन्टेड नंबर की सच्चाई? क्या वो बचा पाएगा अपनी दोस्त निशा को? कई और राज अभी खुलने बाकी थे, और उधर निशा के पास समय बहुत कम था।
मुझे मत मारो। आप जो बोलेंगे ना मैं वही करूंगी। प्लीज मुझे मारो, मैं वही करूंगी। अभी नींद आ जाएगी, बस ये हो गया। कुछ आराम से, अच्छे बच्चे सो जाओ। सारे मामले की जड़ में प्रियंका के पिता का कुछ हाथ तो जरूर है। निशा और प्रियंका दोनों की हालत करीब करीब एक जैसी। दोनों को बहुत डर लगता है और दोनों ही सो नहीं पाते। प्रियंका के डैडी कब से लापता है? 2 महीने हो गए। हेलो, क्या हुआ? उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वाति, ये सब हुआ कैसे? वो अपने वार्ड में आराम से सो रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। क्या है, क्या काम है आपको? दरवाजा खोला, मुझे तुम्हारी मैडम से बात करनी है। उनसे बोलो हमें कोई बात नहीं करनी, गेट बंद कर लो। मिसेस खोसला, मुझे अंदर आने दो। मुझे पता है कि तुमने अपने पति के साथ क्या किया था। उन्हें अंदर आने दो। क्या बोले जा रहे थे तुम? यही कि आपके पति 2 महीने पहले गायब हुए थे, राइट? और जब से वो गायब हुए हैं तब से हॉन्टेड फोन का सिलसिला शुरू हुआ। और आपकी बेटी प्रियंका के फोन नंबर से कई लड़कियों को कॉल्स आए, और जिन लड़कियों को कॉल्स आए वो सारी लड़कियां अपना दिमागी संतुलन खो चुकी। अब आप मुझे बताएगी कि आखिर सच क्या है? क्या कीमत है तुम्हारे चुप रहने की? मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं मिसेस खोसला, मुझे सिर्फ सच जानना है। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे जितना सच पता था मैंने तुम्हें बता दिया। आपको समझ में नहीं आता, अगर आप मुझे सच बता दोगी ना मिसेस खोसला, तो बहुत लड़कियों की जान बच सकती है, आपकी बेटी प्रियंका की भी जान बच सकती है। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, प्लीज। तुमसे पहले भी कई लोग आए थे यहाँ पर सच्चाई जानने के लिए। जब ये सब शुरू हुआ था सब यही जानना चाहते थे कि आखिर उस नंबर से कौन फोन कर रहा है। और मैंने सभी को यही कहा था कि
मेरे बेटी ने वो फोन बस में कहीं खो दिया और कोई गंदा आदमी उस नंबर से फोन करके लड़कियों को परेशान कर रहा है। वो एक भूखा भेड़िया जैसा था, हर किसी पर उसकी बुरी नजर रहती थी, चाहे वो घर की नौकरानी क्यों ना हो। मैंने टोका भी तो बदले में मार खानी पड़ती। रात जब मेरी आंख खुली माँ बेटी ने मिलकर उस शैतान के लिए गड्ढा खोदा, कार से निकालकर उसे वहां तक लाए। इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा, प्लीज। चलो जल्दी, चलो आजा, चलो आजा, चलो। विशेष, ये लो चाबी, ये गाड़ी। ये? हाँ। चलो बेटा। मिसेस खोसला, राजन खोसला की लाश कहाँ दफनाई थी आपने? क्यों? क्योंकि उसकी भटकती हुई आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उसकी लाश को जलाना होगा और उस फोन को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ना वो प्रियंका को छोड़ेगा और ना निशा को छोड़ेगा। बस एक बार वो फोन डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तो उसके जरिए वो किसी को भी परेशान नहीं कर पाए। तो प्लीज बताइए कि उसकी लाश कहाँ दफनाई थी। चलो मेरे साथ, चलो बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। Bye.
उसके बाद फिर कभी उस फोन नंबर से कोई कॉल नहीं आया, फिर कभी उस हॉन्टेड नंबर ने किसी लड़की को पागल नहीं किया। निशा जिंदा तो बच गई थी, लेकिन वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो आज भी फोन की घंटी से डर जाती है। विशेष आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। कहते हैं बुरे इंसान को मृत्यु से पहले घटने वाली घटना और अंतिम छाप उस मरने वाले की आत्मा पर अंकित हो जाती है, और फिर आत्मा उसी आधार पर अपना बदला लेती है। रहस्य की ये बातें हमारी कल्पनाओं से भी परे होती हैं। आज की कहानी बस यहीं तक। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक डरावनी कहानी के साथ। देखते रहिए फियर फाइल, दहशत दोबारा।